नमस्कार मित्रों, राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लहर क्लासेस पर। जैसा कि मित्रों आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ आज की क्लास का शुभारंभ कर रहे हैं। मोटिवेशनल कोटेशन ये है कि अपनी खुदी को कर ले इतना बुलंद कि खुदा खुद आकर पूछे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। मेहनत इतनी करो कि भगवान खुद भी आपको वरदान देने के लिए हाजिर हो। इसलिए एक मोटिवेशनल कोटेशन है, अपनी खुदी को कर ले इतना बुलंद कि खुदा खुद आकर पूछे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। इसी मोटिवेशनल कोटेशन के साथ आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा जो थंबनेल में आपने विषय देखा है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान की विशेषताएं, जैसा कि आपने पूर्व में थंबनेल में आप देख चुके हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे पीटीटी हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे अन्य कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनमें लगता है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता, और भारतीय संविधान की पहली विशेषता है जो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती है वो विशेषता है भारतीय संविधान की, और उसका नाम है भारतीय संविधान की पहली विशेषता है कि भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। आप बोलेंगे ये लिखित एवं निर्मित संविधान का अर्थ क्या है। लिखित एवं निर्मित संविधान का अर्थ है हमारे देश का संविधान है लिखित एवं निर्मित संविधान का अर्थ है भारतीय संविधान है वो भारत की संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है। लिखित का अर्थ है भारतीय संविधान लिखा गया है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। अलिखित का अर्थ होता है कि वह संविधान जिसको लिखा नहीं गया है। हमारे भारत का संविधान है वो लिखा हुआ है और इसको एक संविधान सभा ने लिखा था। भारतीय संविधान को एक संविधान सभा ने लिखा है, इसलिए भारतीय संविधान है वो लिखित संविधान है। संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी थी और इस संविधान सभा ने अपने भारतीय संविधान को लिखा है। अलिखित का अर्थ होता है कि वह संविधान जो लिखा हुआ नहीं है, जैसे हम लोग बात करें ब्रिटेन का संविधान, तो ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है, अलिखित है। इसका मतलब वो पूरी तरह से अलिखित नहीं है, एक जगह लिपिबद्ध नहीं किया गया है, जैसा कि अपने भारतीय संविधान की एक जगह लिपिबद्ध है, वैसे ब्रिटेन का संविधान एक जगह लिपिबद्ध नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जो कि परंपराओं के आधार पर चलता है, लेकिन अपने भारत का संविधान है वो लिखित है, क्योंकि इसको एक संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है। इसी के साथ इसको लिखने में भारतीय संविधान को समय लगा था, वो लगा था 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन। भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन में लिख करके तैयार किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान की पहली विशेषता है कि ये लिखित व निर्मित संविधान है। तो बच्चों, आप सबको पता है कि भारतीय संविधान को लेकर के हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपना जो पहली भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो लिखित व निर्मित संविधान है। अब हम चलो बात करते हैं दूसरी विशेषताओं की। तो भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है कि भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। यदि हम दुनिया के किसी भी देश का संविधान उठा करके देखेंगे तो इतना विशाल संविधान दुनिया के किसी भी देश का नजर नहीं आएगा जितना कि हमें भारत का संविधान नजर आता है। भारत का संविधान यदि हम बात करें सबसे पहले आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश यूएसए की,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA, जिसको संयुक्त राज्य, जिसका पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की बात करें तो उस देश के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है। आप बोलेंगे कनाडा का संविधान, जो कि अमेरिका का पड़ोसी देश है, कनाडा का संविधान की यदि हम बात करें तो कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। यदि हम पूर्वोत्तर विश्व की ओर चलेंगे तो एक देश पड़ता है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है। अच्छा, वो देश जो दक्षिण अफ्रीका 1994 में आज़ाद हुआ था, इस दक्षिण अफ्रीका की यदि हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में देशों की दक्षिण अफ्रीका के संविधान में यदि हम बात करें भारतीय दक्षिण अफ्रीका में कुल मिला के अनुच्छेदों की तो 153 अनुच्छेद है। इस प्रकार दुनिया के हर देश की हम बात करेंगे, यूएसए में कुल अनुच्छेद 7 है, कनाडा के संविधान में 147 है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। लेकिन हम बात करें अपने भारतीय संविधान की तो अपने भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है कुल मिलाकर के 395। यदि हम बात करें अनुसूचियों की तो अपने भारतीय संविधान में कुल मिला के 12 अनुसूची है, अनुसूचियों की संख्या है 12। अच्छा, भारतीय संविधान में भाग कितने हैं तो भारतीय संविधान में भाग है 22। मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या 12 नहीं थी, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई। तो बाद में वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में कुल मिलाकर के अपनी अनुसूचियां हो गई है 12। और भारतीय संविधान की एक और खासियत यह है कि भारतीय संविधान में 5 परिशिष्ट है। आप बोलेंगे ये क्या होता है? हमने कहा देखो मित्रों, कोई भी किताब लिखते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट जाती है, उन महत्वपूर्ण बातों को किताब के अंत में जब हम लिखते हैं तो उनको बोलते हैं परिशिष्ट। भारतीय संविधान में परिशिष्टों की संख्या है 5, जो कि दुनिया में अन्य देशों में नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, आप एक सवाल पूछेंगे कि सर एक बात बताओ। हमने कहा हाँ बताएंगे, बताएंगे क्यों नहीं, कि ये जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी लेकिन वर्तमान में 12 कैसे हुई, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो हमने कहा मित्रों चिंता मत करो, सब बताएंगे। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था सन 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 में हुआ। इस 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई थी जिसका नाम था 9वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। अच्छा, आप बोलेंगे फिर 10वीं अनुसूची का क्या हुआ? हमने कहा देखो मित्रों चिंता मत करो, 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। भारतीय संविधान में जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, सन 1985 में भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया दल बदल को रोकने के लिए। और दल बदल को रोकने के लिए जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, तब भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई थी जिसका नाम था 10वीं अनुसूची। अच्छा, आप बोलेंगे फिर 11वीं अनुसूची को कब क्या जोड़ा गया? हमने कहा देखो मित्रों, 11वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया था जिसका नाम था 73वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था, 1992 में भारतीय संसद में पास हुआ था लोकसभा और राज्यसभा में। 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हो गया और 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे और उन 29 विषयों को 11वीं अनुसूची में रखा गया। तो 11वीं अनुसूची 1993 में जोड़ी गई। अब बोलेंगे अच्छा सर, हमने कहा हाँ 12वीं अनुसूची का क्या हुआ? हमने कहा देखो, जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उस समय एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट और हुआ था जिसका नाम था 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1993 में लागू हुआ था। इस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को कार्य करने के लिए कुल मिलाकर के जो 12 विषय प्रदान किए गए उनको 18 विषय प्रदान किए गए थे, उन 18 विषयों को 12वीं अनुसूची में लिखा गया।
और 11वीं अनुसूची में कुल विषय रखे गए थे उनकी संख्या थी 29। इस प्रकार वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के अनुसूचियां 12 है। 12 इसलिए भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है, क्योंकि इसमें 12 अनुसूचियां है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, जो कि दुनिया के किसी भी देश के संविधान में नहीं मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है और ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी बड़ी विशेषता है। इसी को लेकर के हमारे एक महान राजनीतिज्ञ हुए थे, नाम था हरिविष्णु कामत, और उन्होंने कहा था कि भारत का मुझे इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है कि ये विश्व का सबसे विशाल संविधान है, क्योंकि दुनिया अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है, वहीं अपने भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग, 5 परिशिष्ट है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची 1993 में जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची भी 1993 में जोड़ी गई 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तीसरी विशेषता की, तो भारतीय संविधान की जो तीसरी विशेषता है वो है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है कि भारतीय संविधान में क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इन मौलिक अधिकारों को लेकर के अक्सर प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं अपनी परीक्षाओं में। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है जिसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, जब हमारा संविधान बना था उस समय अपने मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए थे। वे अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिनको राज्य छीन नहीं सकता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो अपने भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कुल मिलाकर के अपने भारतीय संविधान जब बना था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब 7 मूल अधिकार दिए गए थे। लेकिन वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में अपने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 है। आप बोलेंगे तो फिर वो एक मूल अधिकार गया कहाँ? हमने कहा देखो, भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकार है उस नंबर एक है, उसका नाम है समानता का अधिकार। नंबर एक अधिकार है, उसका नाम है समानता का अधिकार। अच्छा, आप बोलेंगे अच्छा, दूसरा हमने कहा देखो एक अधिकार है उसका नाम है समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है उस समानता के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लगा करके 18 तक है। दूसरा जो मूल अधिकार है उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में जो दूसरा मूल अधिकार दिया गया है उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, ये कहाँ, इसका वर्णन कहाँ है? आपने कहा, हमने कहा देखो मित्रों, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर तीसरा जो मूल अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में है। आप बोलेंगे अच्छा, हमने कहा। आप बोलेंगे देखो अगला जो चौथा मूल अधिकार कौन सा है, तो हमने कहा चौथा मूल अधिकार है उसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लगा करके 28 तक है। आप बोलेंगे अच्छा। फिर हमने कहा देखो पांचवा मूल अधिकार है उसका नाम है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, यह शिक्षा व संस्कृति के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में है। अनुच्छेद 29 व 30 में है। जो छठा मूल अधिकार है उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। आप बोलेंगे चलो एक मिनट, हमने कहा लो रुक गए, बताओ क्या है? आपने कहा सुनो, आपने बताया कि समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक है। हमने कहा राइट कहा है, हमने क्या गलत कहा है? आपने कहा शोषण के विरुद्ध के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में है। हमने कहा हाँ। आपने कहा
स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन 25 से 28 तक है हमने कहा। हाँ, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का वर्णन 29-30 में हमने कहा। हाँ, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में हमने कहा। हाँ, तो आप बोलेंगे फिर अनुच्छेद 31 गया कहाँ? हमने कहा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत है जो वर्णन था वो संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, लेकिन वर्तमान में ये संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया। आप बोलेंगे सर कब हटाया गया? हमने कहा देखो टेंशन मत लो, पूरी कहानी बताएंगे। हमारे भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसका नाम था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन, अच्छा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? हमने कहा देखो 1978 की बात है, 44वां संविधान संशोधन है 1978 में हुआ था। और 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से क्या कर दिया? हटा दिया। अब संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। आप बोलेंगे अच्छा, हमने कहा भारतीय संविधान की यही विशेषता थी कि इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं, जो कि मूल संविधान में 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि 7वां मूल अधिकार संपत्ति का मूल अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, इसलिए वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। इसी के साथ अपने भारतीय संविधान में एक विशेषता और है, इसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन है। ये मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, मूल कर्तव्य थे वो मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। आप बोलेंगे कब? हमने कहा देखो भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको भारत का लघु संविधान भी कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में। और इस संविधान संशोधन आज तक का भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। एक समिति बनी थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। तब हमारे भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। आप बोलेंगे अच्छा, हमने कहा हाँ। फिर वर्तमान में तो आप बोलेंगे 11 है, हमने कहा 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, और यह जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसलिए वर्तमान में जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो 11वां मूल कर्तव्य है 6 से लगा करके 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य रूप से माता पिता का दायित्व है कि वो शिक्षा उपलब्ध करवाए, ये 11वां मूल कर्तव्य है जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में इसकी एक विशेषता है कि इसमें मूल कर्तव्य भी है। आप बोलेंगे अच्छा, मूल कर्तव्य किस देश से लिए? हमने कहा कि मूल कर्तव्यों को हम लोगों ने रूस से लिया। आप बोलेंगे रूस? हमने कहा हाँ। आप बोलेंगे ये 1976 में तो रूस था ही नहीं? हमने कहा बिल्कुल, आप गजब की बात तो कर रहे हो, सवाल तो आपका एकदम परफेक्ट है। अच्छा, क्या नाम था रूस का? हमने कहा देखो, इस रूस का नाम था सोवियत संघ। 1991 तक इस रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कुल मिलाकर के सोवियत संघ से जो 15 देश बने थे वो सोवियत संघ का स्थान था वो रशिया ने ले लिया, इसलिए कहा जाता है कि मूल कर्तव्य रशिया से लिए गए थे। इस प्रकार भारतीय संविधान की जो तीसरी विशेषता है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों का अपने भारतीय संविधान में समावेश है। अच्छा, आप बोलेंगे और कुछ विशेषता? हमने कहा एक इम्पोर्टेंट विशेषता भारतीय संविधान में और है, चौथी विशेषता, जिसका नाम है वयस्क मताधिकार। आप बोलेंगे ये क्या होता है? हमने कहा देखो मित्रों, वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि भारत का वह नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर है तथा उसका नाम मतदाता सूची में है तो उसे वोट देने का अधिकार होगा, उसी को बोलेंगे हम वयस्क मताधिकार। आप बोलेंगे अच्छा, मूल संविधान में भी क्या उम्र 18 वर्ष थी? हमने कहा नहीं। तो कितनी थी? तो जब अपना मूल संविधान बना था उस समय वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी जिसको बाद में घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। आप बोलेंगे अच्छा, बाद में घटाया? हमने कहा हाँ, बाद में कब घटाया? तो हमने कहा देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ। आप बोलेंगे कौन सा अमेंडमेंट हुआ? हमने कहा देखो 61वां संविधान संशोधन हुआ।
अच्छा कब हुआ? हमने कहा 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ, और इस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष है। तो अपना प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की हम एक बात और करें कि भारतीय संविधान की पांचवी विशेषता की बात कर ले तो भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों का वर्णन भी है। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंधों का अर्थ होता है आपातकालीन उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18, आपातकालीन उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 में है। भारतीय संविधान का भाग 18 है, इसमें मुख्य रूप से तीन अनुच्छेद दिए गए हैं। एक अनुच्छेद है उसका नाम है अनुच्छेद 352। आप बोलेंगे अच्छा हमने कहा एक अनुच्छेद और है ना, आपने कहा हाँ बिल्कुल है ना 356। एक अनुच्छेद और है ना, हमने कहा हाँ 360। अच्छा आप बोलेंगे इन तीन अनुच्छेदों में आपातकालीन उपबंधों का वर्णन है, हमने कहा हाँ अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में आपातकालीन उपबंधों का वर्णन है। अनुच्छेद 352 के अनुसार देश के ऊपर कोई बाहरी हमला हो जाए, अनुच्छेद 352 के अनुसार देश के ऊपर कोई बाहरी हमला हो जाए या देश के भीतर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लागू होता है। 352 के तहत बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल को लागू किया जाता है। आज तक भारत में 3 बार लगा। आप बोलेंगे अच्छा कब कब? हमने कहा 1962 में लगा, 1971 में लगा और 1975 में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा। आप बोलेंगे 1965 में भी युद्ध हुआ था ना, हमने कहा हुआ था, लेकिन 1962 का आपातकाल 1968 तक चला इसलिए लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। ये आज तक भारत में करीब 125 से अधिक बार लग चुका है। अनुच्छेद 360 का प्रयोग वित्तीय संकट आने पर किया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा वित्तीय संकट आज तक नहीं आया है, इसलिए अनुच्छेद 360 के तहत आज तक भारत में एक बार भी आपातकाल नहीं लगा है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार हुआ है, 1962, 1971, 1975 और अनुच्छेद 356 का प्रयोग 125 से अधिक बार हो चुका है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट आने पर आपातकाल लगाया जाता है। तो मित्रों ये भारतीय संविधान की कुछ 4-5 विशेषताएं थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। समय समय पर हम आपके बीच और भी आते रहेंगे, तब भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपने सुना, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार से विकसित करें कि लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद मित्रों, एक बार फिर आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है।